नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित। आपके जितने भी चैप्टर हैं उन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आपका पहला चैप्टर था कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय देखा था। कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने एक साधारण जानकारी देखी थी। इसमें बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, कंप्यूटर की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखना, आपके कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर होंगे वो आपके कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसमें मिल जाएंगे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इतना पढ़ने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद और ये जितने भी चैप्टर हैं इसके वो ख़त्म करने के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है इससे कंप्लीट होने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, फिर चाहे वो लिखित में हो या फिर चाहे टेस्ट के रूप में हो, मॉक टेस्ट के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप में। तो चलिए कंप्यूटर की संरचना देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटरों की संरचना एक तरह की होती है। कंप्यूटर के प्रमुख तीन भाग होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट। जैसे ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया इनपुट, और आउटपुट कंट्रोल यूनिट है, फिर ये आउटपुट। इसका साधारण सी परिभाषा है, जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो उसे कुछ निर्देश देते हैं ना, तब तो वो सर्च करता है, इसे आप लोग इनपुट कह लो। और जो आपके सामने, आपको जो ज़रूरी आंकड़े होते हैं जो आपके सामने आते हैं उसे हम लोग आउटपुट कह लो। और जो बीच में उनकी काम करने का समय होगा कि कहाँ से ढूंढ के ला रहा है डाटा, वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और डेटा प्रवाह, ये आपका सीपीयू हो गया। इनपुट द्वारा हम अपना डेटा या निर्देश अथवा प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, मतलब इनपुट कराते हैं, जो सीपीयू के द्वारा ग्रहण किया जाता है और मेमोरी में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एएलयू मेमोरी से ही डेटा निर्देश ले लेता है, जहाँ कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार उन पर विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं और परिणाम आउटपुट यूनिट को प्रेषित कर दिया जाता है या पुनः मेमोरी में ही रख दिए जाते हैं। अन्य सभी यूनिट्स कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में कार्य करती हैं। प्राइमरी स्टोरेज एएलयू कंट्रोल यूनिट की सम्मिलित रूप को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। इनपुट यूनिट द्वारा हम अपनी बातें कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वही आउटपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर अपनी बात हमारे पास पहुंचाता है। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाला एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता है। इनपुट यूनिट का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में इसको जो भी डेटा या आदेश देते हैं उसे भी बाइनरी कोड में बदल कर कंप्यूटर अर्थात सीपीयू में भेज देते हैं। संक्षेप में इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। यह उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डेटा को पढ़ती है या स्वीकार करता है, या निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलती है। यह बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डेटा को आगे की ओर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछ लेता है लिखित में भी कि कंप्यूटर यूनिट यूनिट इनपुट यूनिट किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है और उनके कार्य लिख देना है, ठीक। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में
प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं हमारे लिए उचित संकेतों या भाषा या फिर चित्र में बदल कर हमें उपलब्ध कराता है। संक्षेप में आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य इसका यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं और जिन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। यह उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदल देता है। यह है बदले हुए रूप में परिणामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है या फिर छाप देता है। अब बात करते हैं हम लोग सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं तथा निर्देश डीकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। समझ में आया? अब तुम्हारे 1D एग्जाम में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है सीपीयू को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। सीपीयू के प्रमुख कार्यों की बात करें तो यह निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर्स में स्थानांतरित करता है। निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह आउटपुट डेटा को रजिस्टर्स से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। सीपीयू के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना और तुलनाएं दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी या बड़ी है अथवा दोनों बराबर हैं इसी यूनिट में की जाती है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से बनी होती है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर उनका योग अंतर गुणनफल या भागफल प्राप्त होता है। इसकी सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें हम लोग रजिस्टर कहते हैं। याद रखना है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपका अंकगणितीय क्रियाएं कराता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार 1D एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव रूम में कि अर्थमेटिक का कार्य क्या है, तो आपको बता देना है अंकगणितीय कार्य। बात करते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्स बहुत तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। मेमोरी की अनुक्रम में रजिस्टरों की स्थान का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। किसके कंट्रोल यूनिट क्या है? इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश देता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका पालन कराता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। उदाहरण के लिए
मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह कोई डेटा किसी विशेष स्थान पर स्टोर कर दें या वहां से उठाकर ALU में भेज दें। पढ़कर कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठाक पालन कराना इसी इकाई का दायित्व है, कंट्रोल यूनिट का। इस प्रकार CPU की सभी यूनिटों द्वारा आपसी सहयोग से उपयोगकर्ताओं द्वारा बताए गए कार्य किए जाते हैं। इसके लिए जब भी किसी इनपुट की आवश्यकता होती है तो वह किसी इनपुट यूनिट से ले लिया जाता है और जो परिणाम या संदेश आते हैं उन्हें किसी आउटपुट यूनिट को भेज दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर। CPU किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसी के अंदर सभी प्रकार की गणनाएं और प्रोसेसिंग की जाती है। इसको ही प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसी के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। वैसे कभी कभी जटिल गणनाओं के लिए अलग से मैथ प्रोसेसर भी लाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। यह कंप्यूटर का दिल या फिर मस्तिष्क होता है। यह केवल मशीनी भाषा ही समझता है। इंटेल 4004 पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें CPU के सभी अवयव एक चिप पर ही लिए गए। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर के नाम याद रखना है आपको, इंटेल डुएल कोर पेंटियम फोर आदि, ठीक है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के नाम है। बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है, यानी कि अपने पास रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से में से एक है, अर्थात सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है, उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। मेमोरी यूनिट के दो भाग होते हैं, पहला आपका प्राथमिक मेमोरी है, दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है इसे आंतरिक या फिर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट रूम में कैसे पूछ लेता है किसी भी, चाहे फिर SSC किसी भी एग्जाम में हो, इस तरह के वन डे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं, या फिर पूछ लेगा कि आंतरिक या मुख्य मेमोरी किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना, प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक, इंटरनल या फिर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह CPU से सीधी जुड़ी होती है। इसका अर्थ यह है कि CPU इसमें स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है और उनका पालन करता रहता है। इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है वह भी इसमें स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या फिर प्रोग्राम उस जगह रखे जा सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है परंतु इनकी गति बहुत तेज होती है। याद रखना, इनकी गति बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी में निम्न सूचनाएं रखी जाती हैं, प्रोसेस किए जाने वाले समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए होते हैं, प्रोसेसिंग के मध्यवर्ती परिणाम, प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम, उन्हें आउटपुट साधन को भेजे जाने तक सुरक्षित रखा जाता है आपका प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी में।
प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग होते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे संक्षेप में हम लोग रैम कहा जाता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम। यह मेमोरी एक चिप पर होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को चुनकर उसका उपयोग सीधे ही किसी डेटा को स्टोर करने या फिर उसमें से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं। यह है आपकी रैम। यह मेमोरी ऐसे रजिस्टरों और उनसे जुड़े हुए परिपथों से बनी होती है जिनसे डेटा को वहाँ तक और वहाँ से स्थानांतरित करना संभव हो। ऐसे प्रत्येक लोकेशन का एक निश्चित पता होता है जिसकी सहायता से हम उस लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। इस मेमोरी के रजिस्टरों या लोकेशनों को हम आवश्यकता होने पर कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। रैम में भरी जाने वाली सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तो वैसे ही वे समस्त सूचनाएं आपकी नष्ट हो जाती हैं। रैम में भी प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनको सीपीयू खोज सके वहाँ से प्राप्त कर सके। इन मेमोरी को भी कई सेक्शनों में बांटा जाता है ताकि उसमें रखी गई सूचनाओं का व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें पाया जा सके। ऐसे प्रत्येक सेक्शन का एक निश्चित पता होता है। किसी डेटा बस की सहायता से हम रैम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं और उसमें कोई सूचना स्टोर भी कर सकते हैं। फिर आपकी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम। इसे संक्षेप में हम लोग रोम कहते हैं। यह वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं। हम उसे हटा या बदल नहीं सकते हैं। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक प्रोग्राम और डेटा लिख दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। जब कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है तब भी रोम चिप से भरी सूचनाएं सुरक्षित बनी रहती हैं, नष्ट नहीं होती। बल्कि जबकि रैम है जो आपका, उसमें सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं जब बिजली बंद कर दी जाती है। रोम चिपों का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी और महत्वपूर्ण होती हैं, या वे प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम, पुराने पर्सनल कंप्यूटर में रोम मेमोरी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी स्टोर किए जाते थे जो पीसी के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक के का कार्य करते थे। तो ये थी आपकी रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। इसे भी देख लेते हैं, एंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल जीरो या फिर वन के रूप में समझा जाता है जिसे हम लोग मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जो किसी टास्क कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप को विस्तार पूर्वक बताता है। किसी भी प्रोसेसर को कार्य करने के लिए दो प्रकार के यूनिट की आवश्यकता होती है। पहला है हमारा डेटा और दूसरा है निर्देश। डेटा और निर्देश। निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी क्रियाएं की जानी चाहिए। किसी भी निर्देश को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑपरेशन और ऑपरेंड। ऑपरेशन वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें परफॉर्म किया जाता है।
तथा ऑपरेंड वे होते हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाता है। उदाहरण के लिए प्लस, यहाँ ए बी ऑपरेंड है तथा प्लस इसका ऑपरेशन है। इंटेक्शन साइकिल, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में निम्न चार चरण होते हैं। फेचिंग, डिकोडिंग या डिकोड, फिर भावी पते की को पढ़ना, फिर है निष्पादन। फेचिंग, इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेंच करके निर्देश रजिस्टर में लाता है। एक परिपथ जो एक निर्देश को रखने में सक्षम होते हैं ताकि वह निर्देश डिकोड अथवा तथा क्रियान्वित किया जा सके। फिर आपका डिकोडिंग या डिकोड, दिए गए निर्देश को डिकोड करना अर्थात दिए गए निर्देश की व्याख्या करना। प्रभावी पते को पढ़ना, यदि निर्देश के पास अप्रत्यक्ष पता है तो उसे पते को मेमोरी से पढ़ना। निष्पादन, निर्देश का निष्पादन करना, दिए गए चरणों में से चरण एक और चरण दो निर्देशों के लिए एक समान होते हैं, फ्रेंच चक कहलाते हैं, और चरण तीन व चार सभी निर्देशों के लिए अलग अलग होते हैं तथा निष्पादन चक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निष्पादन चक। बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। किसके? सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण ना तो हम इसे इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम सहायक मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम, डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा को लिखने अर्थात स्टोर करने, पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो, जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती है। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हम किसी डेटा की तत्काल आवश्यकता नहीं होती है तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके लगभग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रयास हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो, डिस्क पर जगह ना हो। बैकअप साधन में भंडारित किए गए डेटा को आगे कभी आवश्यकता पड़ने पर हार्ड डिस्क पर उतारा या फिर नकल किया जा सकता है। प्रारंभिक कंप्यूटर में छेदित कार्ड, पेपर टेप या फिर चुंबकीय टेपों का उपयोग सहायक भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल मुख्य रूप से चुंबकीय डिस्कों का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है जो कई प्रकार की से सुविधाजनक होते हैं। तो ये थी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। यही बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर का ही भाग है मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न बोर्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मदरबोर्ड या मेन बोर्ड है। वर्ष 1974 में माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण के प्रारंभ से ही उनके सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक ही छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड या फिर बेस बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या फिर लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अवयवों को
आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर के उसके मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य भंडारण उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। हालांकि कंप्यूटर में इनमें से अधिकांश अवयव मदरबोर्ड पहले से ही जोड़े हुए मिलते हैं। फिर बात करते हैं बस। आखिर ये वो बस नहीं है जिसमें आप लोग सफ़र करते हैं, ये कौन सी बस है देखते हैं। सीपीयू डेटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा पेरिफेरल डिवाइसेज को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शनों का संग्रह होता है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेज सकते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है। तो ये आप जिसमें सफ़र करते हैं वो बस नहीं है, लेकिन उसी की तरह है, क्योंकि अगर आपको कहीं यात्रा करना है, कहीं से कहीं जाना है, तो उसी के माध्यम से तो जाते हैं, उसी का सहारा तो लेते हैं आप लोग। ये भी उसी तरह का है कि इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें, मतलब जाने आने के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। अब बात करते हैं बस के प्रकार। किसी कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका आंतरिक बस, दूसरा है बाह्य बस। आंतरिक बस मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे सीपीयू, सिस्टम मेमोरी। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं, जैसे कंट्रोल बस और एड्रेस बस। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी के एड्रेस एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाले बस को हम लोग डेटा बस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा बस कहते हैं। अब बात करते हैं बाह्य बस। किसके बारे में? बाह्य बस के बारे में। बाह्य बस विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट आदि। यहाँ कुछ आपके वन डे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्वेश्चन उन्हें भी देख लेते हैं लोग। मशीन साइकिल, ये वह समय है जो दो ऑपरेंड को रजिस्टर से लाकर उन पर ALU ऑपरेशंस करके प्राप्त परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करने में प्रयोग होता है। बफर, यह एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र है जो कि रैम में होता है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए रखा जाता है। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले बफर में ही स्टोर होता है। किसी कंप्यूटर के कार्य निष्पादन करने की क्षमता उसके रजिस्टर्स, रैम तथा कैश मेमोरी के आकार, सिस्टम क्लॉक की गति पर निर्भर करती है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सर्किट सॉकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट्स। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने, उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए लिए गए समय को एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, ठीक है? आगे हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर में। क्या होगा हमारा तीसरा चैप्टर? इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ देखेंगे हम लोग।